हेलो गाइस, वेलकम बैक। किचन के सिंक के पास हमेशा से एक मैट रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम सिंक के पास काम करते हैं तो जो भी पानी गिरता है ना, आप उसी टाइम पे इस मैट से पोंछ सकते हैं। और जो भी ब्रशेस आप यूज़ करते हैं, जो भी स्क्रबर्स यूज़ करते हैं, उनके लिए एक बॉक्स रखिए। और मैंने इसको बॉटम में और इसके ऊपर में भी होल्स कर दिए हैं, तो ये जल्दी सूख जाता है। सिंक को वॉश करने के लिए, सिंक को स्क्रब करने के लिए मैं एक ब्रश अलग से रखती हूँ, और उसको मैं इस तरह से हैंग करके रखती हूँ एक बाइंडर क्लिप की हेल्प से। आपकी जो बेलन और पटा होता है, वो अगर आप काउंटर पर रखेंगे तो काउंटर का पूरा स्पेस ये ले लेता है, इसलिए इसको वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो काउंटर है ना, वो फ्री रहेगा। और कुछ बड़े जो हमारे पास पैंस होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ कीजिए। ये अंडर आप अपने जो कैबिनेट के डोर हैं उसके अंदर में लगा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और बाहर से दिखेंगे भी नहीं। तो इस तरह से आपके छोटे से किचन में भी काफ़ी सारा स्पेस बन जाएगा।